हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दीप्स कोचिंग। तो गाइस, आज का वीडियो एक्चुअली बनाने का मेन कारण जो आप कह सकते हो वो ये है कि मैंने आपसे बोला था कि जेन्युइन कट ऑफ जो मैं लेके आने वाला हूँ, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो मैं वो लेके आज आपके सामने आ चुका हूँ। तो वो वीडियो आपका जो है उस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो एक्चुअल में कट ऑफ जाने वाली हैं वो जेन्युइन कट ऑफ एक्चुअल में क्या रहेंगी। तो उसको लेके वीडियो बनाया गया है, तो उस वीडियो पर हम लोग जानकारी लेंगे कि ग्रेड सी ग्रेड डी इनकी कट ऑफ एक्चुअल में क्या जाने वाली है। तो हमारे साथ आज एक और सदस्य बैठे हुए, देखो। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देर करे हुए। तो गाइस, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी का जो हमने कट ऑफ का वो करा हुआ है वो आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का अलग अलग किया हुआ है। तो अभी हम सिंपल सी पहले बात करते हैं ग्रेड सी में। अगर हम बात करें अंडर रिजर्व की यानी जनरल कैटेगरी की, तो उस कैटेगरी के हिसाब से हम लोग बताते हैं कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी 136 से 141 तक जाने वाली है अंडर रिजर्व में ग्रेड सी में। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की वो आपकी जाने वाली है 133 से लेके 137 तक। सेकंड, अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो जाने वाली है 121 से लेके 126 तक। सेकंड, एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एसटी की कट ऑफ आपकी जाएगी 106 से 110 यानी 106 से लेके 110 तक। नेक्स्ट, अगर मैं ओएच की बात करूं तो वो जाएगी 86 से 90। ये डेटा था ग्रेड सी का। अब बात करते हैं ग्रेड डी को लेके। तो ग्रेड डी की जो कट ऑफ जाने वाली है उसका डेटा भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूं। देखिए, ग्रेड डी में अंडर रिजर्व की आपकी जा सकती है 132 से 138 के बीच में। सेकेंड, ओबीसी में आपकी जा सकती है 131 से 136। एससी में आपकी जा सकती है 113 से 125। एसटी में आपकी जा सकती है 99 से 105। ओएच में आपकी जा सकती है 81 से 83। अब फाइनल सी बात करते हैं कि जिसको हम एक एग्जैक्ट डेटा पे लेके चल सकते हैं, जो हम जैसे रिजल्ट पे आता है फाइनल कट ऑफ वो वाला पार्ट। तो हम बात करते हैं अंडर रिजर्व की, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। जो हम फाइनल कट ऑफ जो हम अपने अकॉर्डिंग अपने चैनल के लेके चल रहे हैं वो आपकी जाएगी 139, ठीक है, 139। बात करते हैं ओबीसी की, और ये बात चले ग्रेड सी पे, तो ग्रेड सी पे जाएगी अंडर रिजर्व की 139, ओबीसी की जाएगी 137, एससी की जाएगी आपकी 125, एसटी की जाएगी 108, ओएच की जाएगी 87, ठीक। अब बात करते हैं ग्रेड डी को लेके। तो ग्रेड डी में आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है अंडर रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में वो आपकी जाएगी 136, ठीक। अगली बात करते हैं ओबीसी पे, तो वो आपकी जाएगी 132। एससी पे बात करते हैं तो 115। एसटी पे बात करते हैं तो 101। ओएच पे बात करते हैं तो 81, ठीक। तो गाइज, ये तो रही कट ऑफ। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की, जो हमारे पास एक्चुअल में जो मैंने पहले बताया था मीडिया सोर्सेज के थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि दिसंबर एंड वीक लास्ट वीक तक का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा स्टेनोग्राफर का। बट मैं आपको एग्जैक्ट चीज बताता हूँ, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आपका दिसंबर एंड तक नहीं आने वाला है। तो उस वीडियो के लिए तो मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे को वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिली थी उस टाइम पे। अब मैं सॉरी इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये एक्चुअली पीछे इसलिए करा गया है, उसको करने का कारण है। देखिए, अभी कुछ हमारे स्टेट्स में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ड्यू टू इलेक्शंस अभी कुछ डेट्स को पीछे कर दिया गया क्योंकि बहुत जगहों पे आचार संहिता लग जाएगी, तो उन डेट्स को भी किसी कारण से इसमें ये भी एक वजह बताई गई है जिसकी वजह से पीछे किया गया है। अब मैं आपके साथ वो मेल शेयर करूंगा जो उसके बाद आफ्टर डिसीजन जो फाइनल मंथ्स निकाले गए हैं डेट्स के लिए यानी रिजल्ट के लिए वो कब आएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मेल चेक करवाता हूँ। मेल चेक कर लो आप, येरा मेल एक बार आप मेल पढ़ लीजिए, और मेल के अकॉर्डिंग वो आपको ये बताया जाएगा कि इस मेल पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जैन और फैब 2022 में आपके एग्जैक्टली रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये थी बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एसएससी के थ्रू आया हुआ है, तो आपको यहाँ से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कब तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़, यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा कि उनको टाइम मिल जाएगा उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आपको टाइम मिल जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हो यार, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया है, मेरे को पता है। और जो लोग इस पेपर में अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ गाइस, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस बात पे, क्योंकि ये स्टैनो हर साल होता है ना, तो इस पे आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हर साल होता है इसका पेपर, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, दोबारा ट्राई कर सकते हो, जो गलतियाँ रह गई वो सुधार सकते हो। तो
देखो ये बहुत जबरदस्त चीज है एसएससी जो हर साल करवाती है, लेकिन इसका लेट लतीफ वाला काम बड़ा बेकार सा है एसएससी का। तो गाइज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि गाइज अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ी सी तैयारी करें, और मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको किसी चीज को लेके प्रॉब्लम्स है, किसी टॉपिक्स में दिक्कत है, तो आप मेरे को ज्यादा लोगों में ये बताओ कि उस चीज को आप मतलब आपस में बांट लो। इस वीडियो को पहले तो शेयर कर लेना जितने लोग चाह रहे हैं शुरू से स्टार्ट करना इन लेक्चर्स पे लेके, तो हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे विद बोर्ड्स एंड ऑल, उसमें हम उस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको 100% दूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप लोग उस चीज़ को पढ़ के ना बहुत अच्छा खासा पेपर क्लियर कर सकते हो। देखो बाकी आप पे डिपेंड होता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो मेहनत डिपेंड करती है आपकी, हम लोगों की मेहनत ये रहती है कि आपको उस डायरेक्शन पे ले जाए। डायरेक्शन दिखाने का काम होता है टीचर का, स्टूडेंट का काम होता है उस डायरेक्शन को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, और उस चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना होता है, अपना पूरे दिन भर का जो शेड्यूल होता है वो आप कैसे मैनेज करते हो। तो गाइस ये डिपेंड करता है आप कैसे अपने आप को उस चीज़ पे डाल सकते हो, कैसे आप उस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तो उस चीज़ को लेके हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे भी। बट उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हमारे टॉम क्रूज के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, थम्स अप कर देना। आज ये पहली बार वीडियो पे आया हुआ है और ये एक्चुअली अपने आप आ गया है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो पे, ठीक है? कमेंट ज़रूर करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल चीज़ें मिल रही हैं, आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिल रही है इस चीज़ में। तो ये वीडियो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने अपडेट किया भी नहीं है, तो ये मैं आपके सामने ले आया हूँ कि एक्चुअल में रिजल्ट कब आने। मैंने बोला था ना कि इस चैनल पर आपको वो मिलेगा जो किसी चैनल पर नहीं मिलेगा, तो वो मिल रहा है आपको। तो इस चैनल पर देखो अभी तक मेरे ख्याल से किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाके चेक कर लो, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मैंशन नहीं करी गई है कि एग्जैक्ट डेट कब आती है। सबसे पहले मैंने ही बताया था दिसंबर एंड पे आने वाली, अब मैं ही उस चीज़ को खुद बता रहा हूँ कि ड्यू टू सम रीजंस उसको चेंज किया गया, और मैं आपके साथ विद प्रूफ आया हूँ। और लास्ट टाइम भी मैं विद प्रूफ आया था कि जब रिजल्ट आने वाला था वो भी मेरे पास प्रूफ था, मीडिया सोर्स मेरे आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया था, तो झूठ वो भी नहीं था। इस समय भी जो मैं लाया हूँ वो तो बिल्कुल भैया 100% बोल दिया, मैंने 99 भी नहीं बोला, 100% बोल दिया। 100% आपको ये मेल देख चुके हो आप लोग, तो इस मेल पे आपको पता चल ही गया होगा भैया एसएससी इंक्वायरी से मेल आया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ठीक है ना? सब हो जाएगा, बढ़िया होगा, और करेंगे तगड़ा वाला काम करेंगे। और इस बार जो प्रिपेयर कर रहे हो गाइस, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो इस चैनल से अभी, क्योंकि जो लोग नए नए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, वो अपने अलग ही सुर में चल रहे होते हैं। आप किसी और चैनल पर जाके पढ़ोगे वहाँ आधा से ज़्यादा चीज़ें चाह चुकी होंगी, और मैं आपको बताता हूँ और चैनल की खासियत ये होती है कि वो आपको उस चीज़ पर सर्वाइव नहीं करवाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपको थोड़े दिन क्लासेस देंगे और 3 दिन के बाद आप देखोगे वो चैप्टर गायब हो चुका होगा, बिकॉज वो लोग पेड होते हैं। तो इस चैनल के थ्रू आपको ये चीज़ मिलेगी, ये पेड नहीं होगा, ये अनपेड रहेगा पूरे, और आपको हर दिन क्लासेस मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर आप लोग तैयार हो जाते हो क्लासेस के लिए, तो मैं उस क्लास को लाइव चलाऊँगा, यानी लाइव आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे बिल्कुल लाइव आपको बता दिए जाएंगे, तो कोई इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से, बड़ा मज़ा आएगा उस टाइम पर करने में। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को फैला दो तगड़ा वाला, और इतना तगड़ा फैला दो कि मज़ा आ जाए, ठीक है गाइस? तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।